हांगी रानी को मारने के लिए बोल रही है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग, कैसे हैं जी। उम्मीद कर दोस्तों काफी अच्छे होंगे। दोस्तों शाम का टाइम है, नहा धो के हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और दोस्तों प्यारा सा ब्लॉग को स्टार्ट कर ले। दोस्तों अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, कुछ अर्जेंट काम से जाने वाले हैं। दोस्तों बता नहीं सकते हैं आप लोग को, फिलहाल आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग काफी ज्यादा दिक्कत में, अंगिरा जी भी दिक्कत में और कुछ बच्चों को लेकर प्रॉब्लम था ना दोस्तों, किसी के मैटर में हम लोग कहीं जाने वाले हैं, किसी कहीं ना कहीं दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बताएगा कि ये कैसा रहता है, अच्छा रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग से पूछना दोस्तों हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम आप लोग हमारी YouTube फैमिली हैं। बहुत लोग बोले हैं कि दीप भाई दवा भी कराइए, दवा के साथ दुआ भी कराइए। तो मैं उन सब चीज़ों को भी सोचा हूँ कि मानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे। फिलहाल अंगिरा जी से इधर मिल लीजिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग का नमस्ते कर रहे हैं, इधर मेरे हस्बैंड जी नमस्ते। खुश रहे खुश रहे। दोस्तों हम लोग तैयार व्यार हो चुके हैं और देख सकते हैं अपना प्यारा सा घर, भाई कितना प्यारा दिख रहा है। बहुत दिनों के बाद हम लोग अपने घर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और कैसा लग रहा है अंगिरा जी? बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए किस तरह हो चुका है, यहाँ पे देखिए बरसात वाला मौसम आ रहा है और अभी से टूट टूट गिरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों बहनी है। दोस्तों देखिए भाभी जी के पास अंगिरा जी आ चुकी हैं और भाभी जी से पूछेंगी कि क्यों है। देखिए अभी रेडी वेडी हो तैयार हो चुकी है, घर जाने के लिए बोल रही है। झगड़ा काय कर रहे थे? भाभी जी रेडी हो गई है, घर जाएंगी। और नहीं झगड़ा करती है, आप नहीं करती है इसे। कल मम्मी के झगड़ा नहीं किया था, मारा नहीं जाता, मम्मी जी है जो इसका ऑपरेशन हुआ है। जाएंगी तब दूध आई है, सब झगड़ा करेंगे सब। नहीं जल जला ये भाभी जी असले लगी अंगिरा जी को मारने के लिए बोल रही है। झगड़ा भाभी जी मत करिए, जब राखी आएगा तब जाइएगा। हाई दुद्दू बाबू लेकर जाओगी तो फूका हो जाएगा बाबू को ना। और दोस्तों ये देखिए बाबू से मिले, बाबू हेलो बोल दो, बोल दो हेलो। देखिए दोस्तों घर द्वार और खपड़े का घर है, खपड़ा में कितना प्यारा लग रहा हवा तो दोस्तों अभी देखिए दोनों लोग आपस में इंजॉय कर रही थी, पार्ट को शूट किया है। इनको मारती क्यों वहां आप मारिएगा नहीं किसी को, आंख में ऐसे मार दे। हाँ झगड़ा मत करिए, बहुत गर्मी है दोस्तों। यहाँ देखिए एक पंखा हम लोग लगाए हैं और इस जुगाड़ से लगाए हैं, लाइट भी भग चुकी है, लेकिन खपड़ा का घर में अंगिरा जी बहुत ठंडा लग रहा है। नहीं बहुत ठंडा लगता है गर्मी। और इधर देखिए बहनी हम लोग का प्यारी सी क्यूट से बेबी। और दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं घर के, आते आते अंगिरा जी पूरा घर का सफाई किए और इस घर में हम लोग नहीं जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम में क्या निकल रहे हैं अंगिरा जी, नाग महाराज निकल रहे हैं, कोबरा। तो बहुत डर लगता है, कपड़े घर में बहुत रहते हैं सब। हाँ लेकिन सफाई हम लोग कुछ करते नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं, कभी हम देखे ही नहीं है। दोस्तों अंगिरा जी कितना प्यारा लग रही है देख सकते हैं दोस्तों, पूरा सर सफाई कर रही है। आते आते घर पे मेहनत करना पड़ता है, नहीं मम्मी जी अकेले कितना काम करेंगे देख सकते हैं। जो सो यहाँ पे किस तरह झोला लग चुका है, भाभी जी का बच्चा छोटा है ना बहनी। हाँ हाँ कितना, इसीलिए सब काम अंगिरा जी को करना पड़ रहा है। आप लोग से एक बात बताने जा रहे हैं, घर में हमारे बहुत ज्यादा दिक्कत, आप लोग को पता है कि गर्मी का मौसम है तो हमारे घर पर गैस खत्म हो चुका था, तो आज हमारे हस्बैंड जी गैस भरा दिए ना भाभी जी। हाई खूब बना रहे थे हम लोग ना, आई गैस भरा है ना, हाई भरा है मेरे हस्बैंड जी भरा है। भाभी जी रो रही थी, बोल रही थी कि गैस भरा, गैस भरवा दिए मेरे हस्बैंड। देखिए यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर गैस भरवा दिए हमारे प्यारे हस्बैंड जी। अपन ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम भी जाकर सो गए थे, अब भी सो गए थे। ठंडा अच्छा गर्मी हो रहा है, स्प्राइट अभी लाएंगे दोस्तों। वापिस रो रहे हैं ठंडा पानी पीने के लिए, एक फ्रिज हम लोग ले लेते तो यही पे लगा देते हैं। नहीं जी अंगिरा जी सोच रहे ले लें क्या? हाँ ले लें, फ्रिज लीजिए, हमको भी मन करता है ठंडा पीजिएगा, फ्रिज ले लेंगे पानी पियेंगे ना ठंडा पानी। हाँ कह रहे हैं कि ठंडा कर कर पानी नहाएंगे। और इधर देखिए बाबू, और इधर देखिए मम्मी जी लाई हैं कद्दू है, ये देखिए यहाँ पर कद्दू का सब्जी। किनको किनको चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम पार्सल करवा देंगे कोरियर से। कोरियर मम्मी जी के शौकीन आई है, दिखाइए
अरे घर पे देखिए चौकी बेलना कहाँ रखा है, चौकी बेलना का पूजा किया जाता है तो कितना गंदा पड़ा हुआ अंगिरा जी भाभी जी। अरे दोपहर में खाना नहीं था तो मम्मी जी लंच बनवाई है, जिसे बैठो नहीं हो रहा है ना, रोपनी का टाइम हो रहा है, तो वही बनाया तो भाभी जी इस पर रोक दी है। और दोस्तों इधर हमारे प्यारे से बाबू से मिल लीजिए, प्यार दिला बोलो, गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है बाबू, तहु गर्मी होता है। भाभी यहाँ पे देखिए बैग वैग खाली करके यहाँ पर रख दी है, इसी में रखने वाली है सामान, अब नहीं जाएंगी, अंगिरा ने समझाया है तो नहीं जाएंगी है, बहुत अच्छी है भाभी जी। हाँ समझाना पड़ता है भाभी जी को। आप लोग देखिए यहाँ पर घर आते हम डर गए, यहाँ पर कह रहे हैं सब बहुत मूड को बड़ा निकल रहा है। दोस्तों ये देखिए अब पूरा बिल बन चुका है, और अभी हम लोग एक देखे थे ना एक गिरगिट जैसा ना इसमें गया, वो भाई बोल रहा था कि बीच खोपड़ा था, इधर देख सकते हैं पूरा खंजर हो दोस्तों, इसको सारा सफाई कराना पड़ेगा। मम्मी जी आएंगी ना, हाँ हाँ। हम लोग दोनों लोग मिलकर साफ सफाई करेंगे। हाँ। मौसम काफी तगड़ा है दोस्तों, जिसके कारण हो जाता है। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं खेत में, चल रहे हैं प्यारे से, और प्यारे से मम्मी जी से मिलते हैं अंगिरा जी। हाँ, मिलते हैं। और उधर अपनी बाइक लगी हुई है दोस्तों, इधर रास्ते में चलते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम लोग खेत में, और प्यारे से अपने दोस्तों खेत में आ चुके हैं, बहुत दिनों के बाद आप लोग खेती बाड़ी वाला ब्लॉग देख रहे हैं। और दोस्तों खेत में आते देख सकते हैं मम्मी जी अभी हमारी कर रही है मेहनत, मेहनत के कर रही है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे का चारा वारा काट रही है, तो मम्मी जी का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहा खुश रहा, जय श्री कृष्ण बच्चे राधे राधे। आप लोग कैसे हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे हैं, प्यारी प्यारी बिटिया बहू कैसी हैं, पूरा दर्शक कैसे हैं, माता रानी भोलेनाथ से रोजाना मांगती हैं कि जितना दर्शक देखते हैं खूब कुशल मंगल रहा, बिटिया बहू के मांग में सुहाग भरा रहे, गोद में बाबू खेल रहा, और जितने बाबू देखते हैं सब गोद में जेब में पैसा भरा रहे। दोस्तों मम्मी जी का इतना सारा आशीर्वाद आप लोग को मिल चुका है, और बाकी देख सकते हैं मम्मी जी अभी यहाँ पे काट रही हैं चारा, क्योंकि मम्मी जी एक मुर्गी पोसी हैं, गांव का रीति रिवाज जान रहे हैं दोस्तों। ये उसे देख सकते हैं हरियाली हरियाली कितना प्यारा लग रहा है, और अभी रोपाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग आते आते खेत में दोस्तों मेहनत किए थे, इधर खेत वो सब रोपाई हो रहा है, यहाँ पे बिया हम लोग को गिरा था दोस्तों, और मैं ये भैंस के चारा लगा दिए हैं भैंस के खाने। अंगिरा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है खेत में आने, खेत में आने के बाद अच्छा लग रहा है दोस्तों, शाम का टाइम है। और कहाँ मुर्गी गई मम्मी जी? अंदर इसमें लुकाई है, क्या पकड़ने के लिए दोस्तों देखिए कौन सा तरीका लगाना पड़ रहा है, क्योंकि खेत बारी में मुर्गा भी आ जाता है चरने के लिए। चलिए निकालिए, तिरी तिरी ऐसा मुर्गा थोड़ी बुला जाता मुर्गा। मम्मी जी बताई है, हाँ तिरी तिरी, चलिए उधर आ उधर इधर 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 देखिए देखिए मुर्गी पकड़ लीजिए, इधर इधर जा रही है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मौसम पूरा थक चुकी है, और नल भी यहाँ का खराब हो चुका है, ऐसे पानी पीने के लिए पानी भर के रखा था तो कोई गिरा दिया था। हाँ नहीं जी, पानी उसमें डालना पड़ रहा है, हाँ पानी डाल के तब निकालना पड़ रहा, गर्मी है सूख जाए। तो घर में निकल चुका है सांप, और भाभी जी काफी डर गई थी दोस्तों, इसी खाने के रास्ते मतलब ऐसे ऐसे निकल चुका है इधर, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देख सकते हैं पूरा घर में बिल उल है, तो दिक्कत हो रहा है सांप के। नहीं 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 डरिएगा, और बता दीजिए मम्मी जी अंगिरा जी को हम लोग दिखाए हैं तो कैसे क्या होगा? ये सांप देखकर रो रही है, और सांप देखकर ये कह रही है हम नहीं खाना खाएंगे, दीपू कह रहे हैं हम नहीं खाना। दोस्तों हम लोग घर पे आए थे और सांप निकल चुका, भाभी जी रो रही थी, हम लोग कहीं गए थे दिखाने उखाने के लिए, अभी वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, मम्मी जी जानती है मुझे कुछ पता नहीं है, और सब तैयारी होगा, अंगिरा जी को तबीयत जल्दी ठीक होगा, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में, टेंशन के दोस्तों कारण घर में बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आती है, आप लोग समझ सकते हैं, बाकी आप लोग सारा चीज़ समझाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, कुछ खास नहीं हो पाया, लेकिन जो भी चीज़ हुआ मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश किया हूँ। घर में निकला सांप, वो भी कोबरा भाई, मैं देखा ना हालत ख़राब हो चुका, उसमें कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भगेगा कि वीडियो बनाएगा। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक पे आज सपोर्ट रखिए, नमस्ते प्रणाम जय हिंद।